नीड्स ऑफ जीएसटी, मतलब कि जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, जीएसटी को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर, ये हमारा टॉपिक है आज का। हमें किसी भी नई चीज की जरूरत क्यों पड़ती है, हम किसी नए सिस्टम को लागू क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा पुराना सिस्टम होता है ना कुछ कमी रही होती है, कुछ शॉर्टकमिंग होती है उनकी, तो उसको रिमूव करने के लिए ही हम कुछ नया सिस्टम लेकर आते हैं। जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, जो पिछला हमारा टॉपिक था जीएसटी से रिलेटेड, कि टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया बिफोर जीएसटी एंड आफ्टर जीएसटी। बिफोर जीएसटी इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था और आफ्टर जीएसटी इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा हो गया था, मतलब कि यहाँ पर क्लियर हो गया कि जीएसटी के आने से पहले भी इंडिया के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर था, टैक्स लगता था गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड। फिर यहाँ पर जब पहले टैक्स लगता था तो जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि जो पहले वाला टैक्स था, पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था इंडिया का, उसकी कुछ ना कुछ कमी थी, इसी वजह से हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो इस टॉपिक को हम उस पुराने वाले टॉपिक से रिलेट करके लिखेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारा पुराने वाला सिस्टम था उसकी जो कमियां हैं उनके बारे में ही लिखना है, एक तरीके से नीड्स ऑफ जीएसटी में, मतलब कि पुराने वाले में ये कमी थी इस वजह से जीएसटी लाया गया था। तो यहाँ पर नीड्स का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि पहले जो सिस्टम था उसके अंदर टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था कई बार, तो इससे टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन हो जाता था टैक्स को पे करने का। तो इसी जो उनकी ये कमी थी इसको दूर करने के लिए ही जीएसटी की रिक्वायरमेंट पड़ी, जीएसटी को लाया गया। और दूसरा क्या पॉइंट है इसी के अंदर, फर्स्ट पॉइंट के अंदर, कि जो पुराना सिस्टम था इनडायरेक्ट टैक्सेस तो लगते थे, इन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते थे उनके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिल पाता था टैक्स पेयर को, लेकिन जो जीएसटी है उसके अंदर जो टैक्स पेयर है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है। अब ये जो आईटीसी की बात करी हमने, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, इसके बारे में पिछली वीडियो में भी हमने क्लियर किया था आईटीसी क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट में भी हम क्लियर करेंगे। अब आपको यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड एक करेक्टरिस्टिक्स याद होगी कि जो जीएसटी है वो वही पर्सन पे करता है जो उसको फाइनली कंज्यूम करता है, मतलब जीएसटी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड टैक्स होता है, लेकिन इस टैक्स को पे वही करेगा जो उन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, मतलब कि जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो जीएसटी पे करेगा। लेकिन जो गुड्स होते हैं वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते टाइम उसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, जैसे कि होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, फिर फाइनल कंज्यूमर के पास गया। तो अब जो ये इंटरमीडिएट जितने भी आए बीच में फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाते टाइम, तो उन्हें भी जब उन्होंने सप्लाई करी गुड्स या सर्विसेज की आगे किसी और पर्सन को, जैसे कि होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर को गुड्स की सप्लाई कर दी, तो यहाँ पर होलसेलर ने क्या किया है, सप्लाई की है ना, तो वहां पर क्या करेगा, वो गुड्स और सर्विसेज टैक्स को कलेक्ट करेगा, जो रिटेलर है होलसेलर को टैक्स पे करेगा। लेकिन क्या रिटेलर ने गुड्स को कंज्यूम किया है, नहीं, उसने क्या किया, आगे फाइनल कंज्यूमर को वो गुड्स सेल कर दी, तो वहां पर भी सप्लाई हुई गुड्स और सर्विसेज की, तो कंज्यूमर ने भी टैक्स पे किया होगा, तो यहाँ पर मिलता है आईटीसी का बेनिफिट, क्योंकि जो बीच में जितने भी इंटरमीडिएट आए हैं उन्होंने उस गुड्स को कंज्यूम नहीं किया, कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है तो टैक्स का बर्डन भी उसी के ऊपर होगा, तो वो यहाँ पर आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। और वो कैसे लेंगे, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर था, इन्होंने गुड्स को सप्लाई कर दिया होलसेलर को, होलसेलर ने कर दिया रिटेलर को, रिटेलर ने कर दिया फाइनल कंज्यूमर को। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, यहाँ पर होलसेलर से टैक्स कलेक्ट किया, जितने का उन्होंने गुड्स को सप्लाई किया, जितनी अमाउंट थी उनकी, उसके साथ में उन्होंने जीएसटी भी कलेक्ट किया होलसेलर से और वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब यहाँ पर होलसेलर ने क्या किया, आगे रिटेलर को सेल किया, तो यहाँ पर भी होलसेलर ने क्या किया होगा, जीएसटी होलसेलर ने कलेक्ट किया होगा, और जब रिटेलर ने सेल किया तो जीएसटी रिटेलर ने कलेक्ट किया होगा, मतलब जीएसटी कंज्यूमर ने दे दिया यहाँ पर, लेकिन इन्होंने भी तो जीएसटी पे कर रखा है। अब इन्होंने जीएसटी पे भी कर रखा है पहले और इन्होंने कलेक्ट भी कर दिया जो जितने भी इंटरमीडिएट आए थे बीच में, तो यहाँ पर जो ये होलसेलर है ये क्या करेगा, इसने पहले क्या किया था, टैक्स पे कर रखा था, जीएसटी पे कर रखा, जब इसने खुद गुड्स को परचेज किया था, जब इसने सेल किया तो वो जीएसटी इसने कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर इसको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है कि जितना इसने अपना टैक्स पे किया है जीएसटी, वो ये यहाँ से उसकी अमाउंट को एक काट सकता है, आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है। और अगर इसने रिटेलर से ज्यादा जीएसटी कलेक्ट कर लिया, इसने पे कम किया था होलसेलर ने और रिटेलर से ज्यादा जीएसटी कलेक्ट कर लिया, तो वो भी इसे गवर्नमेंट को पे करना होगा, बट ये वही जीएसटी की अमाउंट अपने को काट सकता है जितनी इसने खुद पे की है।
अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कैसे होती है? जो ओल्ड सिस्टम था उसके अंदर जितने भी टाइप के प्रोसीजर दिए गए थे टैक्सेस के, अलग अलग प्रोसीजर थे, वो अनसर्टेन थे। मतलब कि टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अगर कंडीशन होती है उसको टैक्स की अमाउंट रिफंड करने की तो वो कैसे की जाएगी, टैक्स रिटर्न या फिर टैक्स पे कैसे किया जाएगा, तो ये सब के बारे में क्लियर डिक्लेयर नहीं किया गया था उसके अंदर, कोई प्रोसीजर नहीं था ओल्ड सिस्टम के अंदर, तो इसी वजह से वहां पर अनसर्टेनिटी रहती थी। इसको रिमूव करने के लिए भी जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर डिफरेंट लॉज एंड रेट्स। अब हमने पढ़ा है कि जो जीएसटी है वो नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाने से बना है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस ओल्ड सिस्टम में लगते थे वो सारे के सारे अब किसके अंदर मर्ज कर दिए गए हैं, जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन जीएसटी आने से पहले वो टैक्सेस ज्यादा थे, नंबर ऑफ टैक्सेस लगते थे, तो उनके अकॉर्डिंग उनके लॉ अलग अलग थे, डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग लॉ थे, उनकी रेट्स अलग अलग थी। जितने भी टाइप के थे वो उनके अकॉर्डिंग उनकी रेट्स अलग अलग थी। लेकिन अभी क्या है, जीएसटी है, एक ही टैक्स लगता है पूरे कंट्री के अंदर, तो इसको भी रिमूव करने के लिए, जो ये इनकी डिसएडवांटेज थी ओल्ड सिस्टम की कि अलग अलग टैक्सेस थे, अलग अलग रेट थी, तो इसको रिमूव करने के लिए भी जीएसटी की जरूरत पड़ी थी। नेक्स्ट फोर्थ है पुअर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब पुअर ट्रांसपेरेंसी कैसे थी, क्योंकि नंबर ऑफ टैक्सेस लगते थे पुराने सिस्टम में, इस वजह से वहां पर ट्रांसपेरेंसी कम होती थी। उनको कैश से रिलेटेड अकाउंट मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही टफ काम होता था, इसी वजह से जीएसटी की जरूरत पड़ी थी। सिक्स्थ है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी की कमी थी उसमें। अब ये जो यूनिफॉर्मिटी की कमी है ये कैसे थी, क्योंकि जो भी टैक्स लगते थे पुराने सिस्टम में वो हर एक स्टेट के अपने अपने रूल्स थे, उनके कुछ रेट्स अलग अलग थी, उसके अकॉर्डिंग लगते थे, उन्होंने अपने अपने रूल बनाए, लॉ बनाए हुए थे हर एक स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जीएसटी आया तो पूरे कंट्री के अंदर वो इम्प्लीमेंट हुआ, पूरे कंट्री में वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई थी, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी की कमी थी पुराने सिस्टम में, तो नए सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जीएसटी की जरूरत पड़ी थी। सेवेंथ पॉइंट है मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या है कि जो बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स होते थे, मतलब कि कोई भी एक एक्टिविटी हो गई तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टैक्सेस लगते थे। वो कैसे लगते थे, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जब गुड्स को मैन्युफैक्चरर किया गया तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसके बाद जब उनको सेल किया जाता था तो सेल टैक्स लगता था, इस तरह से वैट लगता था। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ टैक्सेशन थे, मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन थे, इसी बर्डन को रिमूव करने के लिए जीएसटी की जरूरत पड़ी थी। नेक्स्ट है यहाँ पर एट पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी किससे रिलेटेड थी, ये पूरे के पूरे टैक्स जो सिस्टम था पुराना उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ही थी, क्योंकि नंबर ऑफ टैक्सेस थे। फर्स्ट पॉइंट आ गया कॉम्प्लेक्सिटी का। दूसरा क्या आ गया, यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता था। तीसरा कॉम्प्लेक्स क्यों था ये, क्योंकि उस टैक्स को कलेक्ट करना भी मुश्किल था, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना भी मुश्किल था, तो इन सब रीजंस की वजह से पुराना सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। नाइन्थ पॉइंट है यहाँ पर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों थे ओल्ड सिस्टम में, क्योंकि इतने सारे टैक्सेस लगते थे, जैसे कि अगर हम बात करें एक्साइज ड्यूटी लग गई, वैट लग गया, सेल टैक्स लग गया, तो इनके लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती थी, तो मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, इससे कॉस्ट ज्यादा आती थी। टेंथ पॉइंट है इंक्रीज्ड कॉम्प्लायंस कॉस्ट। ये कॉस्ट को कैसे इंक्रीज करता था पुराना सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो टैक्सेस लगते थे, यहाँ पर नाइन्थ में हमने पढ़ा कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती थी, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, यहाँ से भी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। दूसरा उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उनका ऑफिस अलग अलग हो गया, तो इस वजह से कॉस्ट को इंक्रीज करते थे। लेकिन जब जीएसटी आया तो मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद 11th पॉइंट है यहाँ पर करप्शन। करप्शन को बढ़ावा मिलता था पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब वो करप्शन कैसे बढ़ता था पुराने सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर जो काम था मेनली पुराने सिस्टम में वो ऑफलाइन मोड में होता था। दूसरी बात, यहाँ पर टैक्स को पे करने से बचना टैक्स पेयर के लिए आसान काम हो जाता था। लेकिन जब जीएसटी आया तो ऑनलाइन हो गया जीएसटी, तो यहाँ पर क्या हो गया, करप्शन थोड़ा कम हो गया, तो इस वजह से इस करप्शन को दूर करने के लिए भी जीएसटी की नीड्स पड़ी थी। क्योंकि जो ऑफलाइन सिस्टम था, पुराना सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो टैक्स पेयर था, जिसको टैक्स पे करना था, और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था, वो क्या करते थे, एक दूसरे के साथ इंटरफेस कर लेते, तो इससे वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो क्या होता था, करप्शन को बढ़ावा मिल सकता था।
लेकिन जो ऑनलाइन मोड है, अब वाला जीएसटी का ऑनलाइन मोड है, उसमें क्या होता है, टैक्स पेयर को जीएसटी ऑनलाइन पे करना होता है, तो वो एक दूसरे को नहीं मिल सकते, तो करप्शन जो है कम हो गया है। तो इन सब रीजंस की वजह से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था, जीएसटी की जरूरत पड़ी थी। अब हमने जितने भी पॉइंट पढ़े यहाँ पर, लगभग 11 पॉइंट पढ़े हैं जो ये हमने, ये सारे के सारे इसी चीज से रिलेटेड है कि पुराने वाले सिस्टम में ये कमी थी, इसकी वजह से हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर अगर आप ये 10 या 11 पॉइंट लर्न कर लोगे तो यहाँ से दो तीन टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक तो पुराना सिस्टम कैसा था इसके बारे में पता चल जाएगा, पुराने सिस्टम की क्या क्या कमियां थी ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, और जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी ये वाला सिस्टम, ये वाला टॉपिक है जो ये क्लियर हो गया। तो दो तीन टॉपिक यहाँ से आपके क्लियर हो गए।